हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटो स्क्रीन ऑफ सेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले ब्राइटनेस, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और ये देखिए ऑटो स्क्रीन ऑफ। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है आपको स्क्रीन ऑफ दे रखे हैं, जैसे कि 15 सेकंड का, 30 सेकंड। और ये क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आपका 15 सेकंड पर या फिर 30 सेकंड पर आपकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो उस सेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 30 मिनट का रख रखा है, आधे घंटे का, आप 10 मिनट का रखना चाहते हैं 10 मिनट का रख सकते हैं, 2 मिनट का रखना चाहते हैं 2 मिनट का रख सकते हैं। तो मैं 30 मिनट का रख लेता हूँ। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।